वो कौन से दो बड़े प्लेयर हैं जो इस मैच में आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, और इस मैच में क्या आप अपनी स्मॉल लीग की टीम में महेंद्र सिंह धोनी को शामिल कर सकते हो या अवॉइड कर कर चल सकते हो? इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अब हम यहाँ पर वेन्यू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर वेन्यू इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये फ्रेश वेन्यू पर नई वेन्यू पर मैच खेला जाने वाला है, शारजहां क्रिकेट ग्राउंड पर। यहाँ पर इंटरनेशनल मैच तो इतने नहीं खेले गए लेकिन डोमेस्टिक काफी खेले गए। इस वेन्यू के बारे में आपके लिए हम बिल्कुल बारीकी से आपके लिए पूरी डिटेल देंगे। यदि इंटरनेशनल मैच के बारे में बात की जाए तो यहां पर 13 मैच खेले गए, इनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 9 मैच और सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मैच विन कर दिए। यदि फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर के बारे में बात की जाए तो आप यहां पर देख सकते 149, वहीं सेकंड इनिंग्स 131 यहां पर रहा है। यहां पर मतलब आपके लिए जो टीम पहले टॉस जीतेगी वो आपके लिए लगभग पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आ जाएगी, और कल महेंद्र सिंह धोनी का मैच है तो वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो भी हम यहां पर देख लेंगे। यहां पर हाईएस्ट आप देख सकते हो 215 रन बने हैं जो कि अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बनाए थे, वहीं लोएस्ट भी आप देख सकते हो उसी दोनों इसी सीरीज में बने थे। उसके अलावा बात की जाए दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, यदि बात की जाए यहां पर हाईएस्ट चेस के बारे में तो 140 यहां पर चेस हुए हाईएस्ट, तो आप इससे बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हो कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वही लगभग आपके लिए जीतती हुई नजर आ जाएगी। लोएस्ट डिफेंड 154, यहाँ पर डिफेंड मतलब इजीली हो जाता है। हम यहाँ पर आपके लिए स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, जो 13 मैच खेल गए इनमें से दोस्तों 150 के समथिंग आपके लिए 8 बार स्कोर देखने को मिला है, 150 से 169 तक आपके लिए 3 बार, और 170 से लेकर 189 तक आपके लिए 2 बार स्कोर देखने को मिला है, और 190 से ऊपर 1 बार जो कि 215 बने थे वो आपके लिए मैंने यहाँ से बता दिया। यदि यहाँ पर टोटल ओवरऑल यहाँ पर बात की जाए डोमेस्टिक मैच तक मिलाकर तो पेसर और स्पिनर्स की थोड़ी सी तुलना की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो फास्ट बॉलर ने 98 विकेट निकाले, वहीं स्पिनर ने आपके लिए मात्र 78 विकेट निकालकर दिए हैं। तो दोस्तों यहां पर आपके लिए बल्लेबाज को मदद मिलती है और पेस बॉलर को, स्पिनर इतने दोस्तों ज्यादा डोमिनेट नहीं करते तो आप यहां पर स्पिनर्स को थोड़ा यहां से अवॉइड कर चल सकते हो। भाई आईपीएल 2014 के बारे में बात की जाए तो इस तो दोस्तों इसमें तो आपके लिए ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा। फास्ट बॉलर के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर 42 विकेट मिले, वहीं स्पिनर के आपके लिए 14 विकेट मिले थे, मतलब 1/3 का रेशो यहाँ पर हो जाता है। यदि हेड टू हेड बात की जाए टोटल 21 मुकाबले खेले गए, इनमें से चेन्नई ने आपके लिए 14 मैच विन करके दिए हैं, वहीं राजस्थान रॉयल्स ने आपके लिए 7 मैच मात्र विन कर दिए हैं। यदि लास्ट 5 मैचों के बारे में बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो 4 मैच यहाँ पर सीएसके ने विन किया है, राजस्थान रॉयल्स ने 1 विन किया है, मतलब सीएसके इस कंपटीशन में आपके लिए भारी टीम देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि पहला मैच ये विन कर आ रहे हैं वो भी आपके लिए किसके खिलाफ विन किया है दोस्तों, इन्होंने जो इनके चिर प्रतिद्वंदी हैं मुंबई इंडियंस के खिलाफ, तो आपके लिए लगभग मैच तो यहाँ पर आपके लिए लगभग मैच यहाँ पर जीतती हुई नजर आ जाएगी चेन्नई सुपर किंग्स, और कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये क्रिकेट है। अब टीम न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो बड़े प्लेयर हैं जॉस बटलर और बेन स्टॉक्स ये खेलती हुई नजर नहीं आएंगे। आप देख सकते हो यहां पर कितने परसेंट लोगों ने अपने टीम में ट्राई कर रखा है, 71% लोगों ने आपके लिए जॉस बटलर को ट्राई कर रखा है, जबकि 75% लोगों ने बेन स्टॉक्स को ट्राई कर रखा है। यदि आप भी उनमें से एक हो तो इन्हें रिमूव कर देना है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना है। बेन स्टॉक्स न्यूजीलैंड में है, इनके पिताजी को कैंसर है, वहां पर उनका इलाज करा रहे हैं, जबकि जॉस बटलर जो कि काफी समय से इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेल रहे थे अपनी फैमिली के साथ यहां पर दुबई में आए थे, तो इन्हें 14 दिन के लिए लगभग क्वारंटाइन किया गया है, जबकि अकेले प्लेयर आते हैं तो उन्हें 36 घंटे के लिए सिर्फ क्वारंटाइन करते हैं। इससे आगे के कुछ बैच भी मिस कर सकते हैं यदि इनका क्वारंटाइन पीरियड घटाया नहीं गया तो, और कोई न्यूज आएगी तो आपके लिए मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो प्लीज आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर दोस्तों प्लेयर बैटल की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीएसके के बल्लेबाज और राजस्थान रॉयल्स के बॉलर मुरली विजय एरॉन फिंच की बरन एरॉन की आप यहाँ पर देख सकते हो 56 रन बना चुके हैं 44 गेंदों में और एक भी बार आउट नहीं हुए। हालांकि मुरली विजय दोस्तों उम्र हो गई है तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस करते हुए शायद आपके लिए नजर ना आए, लेकिन आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, वो सिर्फ आपके लिए ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में आपके लिए मैं इनको ट्राई करने की ज्यादा सजेशन नहीं करूंगा। एमएसडी आप देख सकते हो जयदीप उनादकट के खिलाफ काफी शानदार खेलते हैं, 34 गेंदों में 81 रन बनाए और एक बार मात्र आउट किए। जोरफ आर्चर के खिलाफ भी अच्छा खेलते 31 गेंदों में यहां पर आपके लिए 54 रन बनाए और एक भी बार आउट नहीं किया, जबकि एंड्रू टाई 24 गेंदों में 38 बनाए, एक भी बार इन्होंने आउट नहीं किया और 23 गेंदों में आपके लिए 29 रन बनाए सेरस गोपाल और एक बार आउट किया है। इस हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो इन्हें स्मॉल लीग में, लेकिन ये बल्लेबाजी करने के लिए काफी समय तक नहीं आते। यदि इनकी टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो आप इन्हें अपनी टीम में स्मॉल लीग की ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज इन्हें आप अवॉइड भी
कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से अंबाती रायडू के बारे में। अंबाती रायडू के बारे में बात की जाए तो जयदेव उनादकट के खिलाफ 26 बॉलों में आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने 45 रन बनाए और एक भी बार आउट नहीं किया। अंबाती रायडू को आप बिल्कुल अपनी टीम में एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। इन फॉर्म बल्लेबाज लास्ट मैच में भी 71 रन का स्कोर कर आ रहे हैं। वहीं फैफ डुप्लेसिस आप एंड्रू टाई के खिलाफ एक भी बार आउट नहीं हो, 24 बॉलों में 46 रन इन्होंने स्कोर किया और एक भी बार आउट नहीं हो। लास्ट मैच में भी 50+ स्कोर कर आ रहे हैं तो आपके लिए दोनों ही दावेदार हो जाते हैं एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन के। शेन वॉटसन जैसा कि मैंने बताया पाकिस्तान सुपर लीग से ही सुपर फ्लॉप चल रहे हैं तो इनका फॉर्म लगातार वो जारी है तो आप इन्हें अपनी टीम में अवॉइड कर सकते हो। अब यहां पर चेन्नई की संभावित 11 देख लेते हैं। शेन वॉटसन आपके लिए मुरली विजय के साथ ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया मुरली विजय शेन वॉटसन दोनों ही फेल चल रहे हैं, इनकी जगह इन्हें किसी और को मौका दे सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी इतना ज्यादा चेंजेस अपनी टीम में करते नहीं तो शायद आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाए। फैफ डुप्लेसिस अंबाती रायडू ने शानदार बल्लेबाजी की, 58 और 71 का स्कोर कर दिया और आप इन्हें अपनी टीम में एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। एमएस धोनी आपके लिए बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आया, 2 गेंदें खेली इन्होंने और अपना खाता भी ये नहीं खोल पाए। इसके अलावा केदार जाधव कुछ कर नहीं पाए, बॉलिंग कराई नहीं गई इनसे, बल्लेबाजी इनकी आई नहीं। रविंद्र जडेजा 10 रन 2 विकेट, भाई सैम कुरन इन्होंने भी 2 विकेट चटकाए, 18 रन बनाए तो आपके लिए दोनों ही इंपोर्टेंट हो जाते हैं। रविंद्र जडेजा के बारे में मैं आपके लिए कुछ स्टेट्स बताऊंगा, आप उनको ध्यान में रखकर चलिएगा और उन स्टेट्स के हिसाब से आप इन्हें एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन भी चूज कर सकते हो। पीयूष चावला को 2 विकेट मिले दोस्तों, यहाँ से दीपक चाहर ने भी 2 विकेट चटकाए। नुंगड़ी यांगड़ी दोस्तों जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं आपके लिए खेलती हुई नजर आ जाएंगे और डेथ ओवर में गेंदबाजी करती हुई नजर आ जाएंगे सैम कुरन के साथ नुंगड़ी यांगड़ी। उसके अलावा आपके लिए डेथ ओवर में एक आध ओवर दीपक चाहर नजर करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन लास्ट मैच में दीपक चाहर यहाँ पर चोटिल हुए थे अपने लास्ट ओवर में तो उस हिसाब से आप इनको थोड़ा सा अवॉइड कर या लास्ट टाइम तक वेट कर हमारे टेलीग्राम पर न्यूज अपडेट करने के सेक्शन तक आप रुक सकते हो। चलिए बात करते हैं वहीं राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर बैटल के बारे में। स्टीफन स्मिथ रविंद्र जडेजा के खिलाफ 61 गेंदों में 54 रन बनाए लेकिन 5 बार इन्हें आउट भी इन्होंने किया है तो आप यहां पर देख सकते हो कि जडेजा ने 5 बार आउट किया है। राइट हैंडर बल्लेबाज को काफी परेशान करते हैं रविंद्र जडेजा। वहीं ब्रावो को लास्ट मैच नहीं खिलाया गया था, हालांकि इनकी 59 गेंदों में इन्होंने 82 रन बनाए और 2 बार आउट किया। स्टीफन स्मिथ एक ऐसे बल्लेबाज हैं कि दोस्तों ये बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और टिक के रह जाते हैं, आप इन्हें एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। वहीं रॉबिन ओथप्पा के खिलाफ यदि रविंद्र जडेजा के बारे में बात करें 57 गेंदों में 64 रन 3 बार इन्होंने आउट किया है। मतलब रविंद्र जडेजा का आप यदि यहाँ पे स्टेटस देखोगे तो यहाँ पर सभी बल्लेबाजों के खिलाफ अच्छा है, खासकर जो कि राइट हैंडर है। लेकिन लेफ्ट हैंडर के खिलाफ आपके लिए मैं रविंद्र जडेजा की कहानी अभी बता दूंगा। डीजे ब्रावो 40 गेंदों में 50 रन बनाए रॉबिन ओथप्पा ने और 3 बार इन्होंने आउट किया है। वहीं बात की जाती है इमरान ताहिर की 44 गेंदों में 55 रन बनाए ओथप्पा ने और 2 बार इन्होंने आउट किया है। डेविड मिलर, अब इनका रविंद्र जडेजा के खिलाफ रिकॉर्ड दिख ली, 52 गेंदों में 92 रन बनाए, 92 रन का स्कोर किया और सिर्फ 1 बार ये आउट कर पाए। मतलब लेफ्ट हैंडर को रविंद्र जडेजा इतना ज्यादा परेशान नहीं करते जितना कि राइट हैंडर को ये परेशान करते हैं। अब उसके अलावा हम बात कर लेते हैं इमरान ताहिर ने एक भी बार आउट नहीं किया आप देख सकते हो, क्योंकि ये भी लेग स्पिनर हैं और डेविड मिलर यहाँ पर आपके लिए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। 43 गेंदों में 57 रन बनाए। वहीं बात की जाए डीजे ब्रावो जो कि शायद खेलती हुई नजर ना आए, इनकी जगह सैम कुरन को मौका दिया गया था महेंद्र सिंह धोनी ने, आप देख सकते हो 64 बॉल में 72 रन बनाए और 2 बार आउट किया। संजू सैमसन का रिकॉर्ड आप यहाँ पर देख सकते हो, आप देख सकते हो संजू सैमसन को यहाँ पर एक भी बार आउट नहीं किया रविंद्र जडेजा ने यहाँ पर संजू सैमसन को 2 बार आउट किया लेकिन 40 गेंदों में 60 रन इनकी इन्होंने बनाए भी हैं। इमरान ताहिर ने संजू सैमसन को 4 बार आउट किया है। ताहिर हालांकि लास्ट मैच नहीं खेले तो संभवतः ये मैच भी आपके लिए ना खेले, लेकिन 33 गेंदों में 50 रन भी इन्होंने बनाए, 50 गेंदों में 79 रन बनाए डीजे ब्रावो के और 3 बार आउट किया। अब यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की आपके लिए संभावित 11 देख लेते हैं। जॉस बटलर तो आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे तो रॉबिन ओथप्पा यशस्वी जायसवाल के साथ ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। ओथप्पा एक बहुत शानदार बल्लेबाज हैं, हालांकि लास्ट आईपीएल में इतना अच्छा फॉर्म नहीं रहा था, ये लास्ट आईपीएल के स्टेट्स हैं आप इनको एक बार देख लीजिए। संजू सैमसन आपके लिए फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, 12 मैचों में 342 रन इन्होंने बनाए थे। वहीं स्टीफन स्मिथ 12 मैचों में 319 रन बनाए थे, कैप्टनसी करते हुए नजर आ जाएंगे, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे और अपनी बल्लेबाजी को लेकर एक काफी कंसिस्टेंस हैं। वहीं डेविड मिलर के बारे में बात की जाए तो आप यहां पर देख सकते हो 10 मैचों में इन्होंने 241 रन बनाए थे, इनका इतना अच्छा फॉर्म नहीं रहा था लेकिन डेविड मिलर आपके लिए एज अ फिनिशर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। प्रियम गर्ग आप देख सकते हो 7 मैचों में 160, एक शानदार बल्लेबाज हैं, आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, यंगस्टर हैं। आपने कल के मैच में देखा होगा कि जैसे कि देवदत्त पडिकल ने एक शानदार बल्लेबाजी कर दी थी। भाई टॉम कुरन के बारे में बात की जाए तो इनका काफी अच्छा रिकॉर्ड है दोस्तों आपके लिए एज अ दोस्तों यहां पर
फिनिशर खेलते हुए नजर आ जाएंगे, बल्लेबाजी से भी और गेंदबाजी से। गेंदबाजी से आपके लिए डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे और आपके लिए बल्लेबाजी भी आपके लिए एज अ फिनिशर एक करते हुए नजर आ जाएंगे। जब तक यहाँ पर आपके लिए यहाँ से वापसी करेंगे नहीं यहाँ पर बेन स्टॉक्स, तब तक तो ये आपके लिए खेलते हुए नजर आ ही जाएंगे। भाई सुरेश गोपाल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो सुरेश गोपाल 14 मैचों में 20 विकेट इन्होंने चटकाए थे और थोड़ी बहुत ही हिटिंग भी कर लेते हैं। जोर फायर चार आपके लिए डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, जबकि आपके लिए जयदेव उनादकट आपके लिए शुरुआत में ही गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे और इनके रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा। वरुण एरोन भी आपके लिए डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। तो इनकी ओर से तीन गेंदबाज होते हैं जो कि डेथ ओवर में करते हुए नजर आ जाएंगे, टॉम कुरन, जोरफा आर्चर और वरुण एरोन। तो आप इन तीनों को ट्राई कर सकते हो दोस्तों। जोरफा आर्चर बिल्कुल आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो और टॉम कुरन को भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि टॉम कुरन आपके लिए बल्ले से भी कुछ धमाल कर दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारी ड्रीम इलेवन टीम के बारे में। उससे पहले मैं आपके लिए जो नई एप्लीकेशन बहुत शानदार एप्लीकेशन है माई फैब इलेवन, एक्चुअल पुरानी तो बहुत है, 4 से 5 साल पुरानी हो चुकी है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डाउनलोड कर आपके लिए Raj123 कोड डालना है और ये आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस देती रहती है दोस्तों। आप इसको क्यों ट्राई करना है, लो एंट्री फीस, उसके अलावा दोस्तों आपके लिए क्रेडिट इशू नहीं आएगा, टीम तैयार करते समय 1 से 2 मिनट में आपके लिए बैंक विड्रॉ मिल जाएगा और आपके लिए लो कंपटीशन। तो आप एक बार जरूर से ट्राई कर देखिए। एंट्री फीस के मामले में इससे कम एंट्री फीस आपके लिए कोई चार्ज यहाँ पर नहीं करता है। तो आप इसकी टीम का डायरेक्ट यहाँ पर फाइनल प्रीव्यू देख सकते हो। संजू सैमसन को विकेट कीपिंग सेक्शन में ट्राई किया है, स्टीमर समेत हैं रॉबिन उथप्पा हैं, फैफ डू प्लेसेस हैं, अंबाती रायडू हैं, सैम कुरन को ट्राई किया, रविंद्र जडेजा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जोरफा आर्चर, टॉम कुरन और मैंने नुंगनी यंगड़ी को ट्राई किया है। यदि कोई भी चेंजेस करूंगा तो आपके लिए मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन यदि आप एक बार ट्राई नहीं किया तो इसे ट्राई जरूर करना है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ से अब हम ड्रीम इलेवन टीम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जॉस बटलर आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, 71% लोगों ने ट्राई कर रखा है। महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों लगातार अपने आपको डिमोट करते हैं, यदि ये पहले बल्लेबाजी इनकी टीम करती है तो हम इन्हें स्मॉल लीग की टीम में ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इन्हें स्मॉल लीग की टीम में ट्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ से सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाता है संजू सैमसन। यदि मुरली विजय की जगह जगदीशन को मौका दिया जाता है तो आप जगदीशन को ट्राई कर सकते हो अपनी स्मॉल लीग की टीम में भी, क्योंकि एक शानदार प्लेयर है। लेकिन अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर संजू सैमसन है। बात करते हैं बल्लेबाजी सेक्शन स्टीफन समेत, अंबाती रायडू, फैब डू प्लेसेस और रॉबिन उथप्पा और डेविड मिलर में से आपको ट्राई करना है, आपको डिसाइड करना है किसे ट्राई करना है किसे नहीं करना। उसके अलावा आपके लिए यहाँ से ऋतुराज गायकवाड़ को यदि मौका मिलेगा तो आपके लिए टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा, यदि इन्हें मौका मिलेगा तो वो सिर्फ मुरली विजय की जगह मौका मिल सकता है। यदि आप सेन वॉटसन को ट्राई करना चाहते हो, एक रिस्क है दोस्तों, एक मैच में इतने चलेंगे कि आपको एक तरफा हराएंगे या जिताएंगे, लेकिन कौन सा वो मैच होगा वो पता नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो मैं फिलहाल की स्थिति में ट्राई नहीं करूंगा, रॉबिन थप्पा को ट्राई करूंगा जो कि दोस्तों एक आपके लिए अच्छा बल्लेबाज साबित हो सकता है। चलिए बात करते हैं यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में आपके लिए एक बेन स्टॉक्स खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, ड्वेन ब्रावो आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, रविंद्र जडेजा मस्ट पिक हो जाती है, आप अपनी एक ग्रैंड लीग की टीम में इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा सैम कुरन, और यहाँ से आपके लिए कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, रियान पराग हैं, आप यदि इन्हें चाहो तो अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो या अवॉइड भी इन्हें कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में आपके लिए इमरान ताहिर खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, फिर जोरफा आर्चर एज अ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। पीयूष चावला ने 1 विकेट निकाला, शानदार गेंदबाजी की, आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। दीपक चहर ने 2 विकेट निकाले, लेकिन दोस्तों लास्ट ओवर में ये थोड़ी पैर की इंजरी के कारण नजर आए, और आपने आज के मैच में कल के मैच में भी देखा होगा कि मिचेल मार्श को इंजरी हुई तो वो बिल्कुल भी बैटिंग नहीं कर पाए। उसके अलावा आपके लिए यहाँ से ऑप्शन हो जाता है नुंगड़ी यंगड़ी, शानदार ऑप्शन हो जाता है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है और आप इन्हें अपनी ग्रैंड लीग की टीम में एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपके लिए विकेट निकाल कर ये हमेशा से देता है, तो मैं यहां से इन्हें ट्राई करूंगा। और दोस्तों मैं ट्राई करूंगा यहां से टॉम कुरन को। टॉम कुरन आपके लिए क्यों स्पेशल हो जाता है, क्योंकि वो आपके लिए यहां से बल्लेबाजी कर भी दे सकते हैं। यदि आप टॉम कुरन को यहां पर टॉम कुरन की जगह एंड्रू टाई को मौका दिया जाता है तो आप टॉम कुरन की जगह एंड्रू टाई को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, तो आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। फिलहाल की स्थिति में जोरफा आर्चर और दोस्तों यहां से नुंगनी एंगड़ी और टॉम कुरन को अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं यहां से कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। सॉरी, मेरे यहां से एक प्लेयर रह रहा है, तो मैं वो स्पिनर पीयूष चावला के साथ जाऊंगा, क्योंकि एक विकेट निकाला था। यदि दीपक चहर फिट रहते हैं तो बिल्कुल मैं दीपक चहर के साथ जा सकता हूं, क्योंकि वैसे भी विकेट पेस बॉलर की मदद करेगी, लेकिन वो टॉस के बाद आपके लिए टेलीग्राम पर अपडेट मिलेगी, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। आप देख लेते हैं हम यहाँ से हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन ये दोनों आपके लिए बहुत शानदार है, यदि आप किसी और को ट्राई करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ
से संजू सैमसन और स्टीफन स्मिथ, ये दोनों शानदार ऑप्शन हो जाते हैं। आप इन्हें अपनी टीम में एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। और जैसा कि आपके लिए सबको पता है, फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए अपडेट कर दिए जाते हैं, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए। अभी की स्थिति में आपके लिए रंबाती रायडू, यहाँ से फैफ डू प्लेसेस और स्टीफन स्मिथ और संजू सैमसन, ये चार ऑप्शन बेस्ट हैं। टॉप थ्री ऑप्शन मेरे ये हैं, संजू सैमसन मेरे टॉप फोर के ऑप्शन में आते हैं, तो आप इन्हें अपनी टीम में एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।